हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई यू नो सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो यूजिंग अ ट्रुथ टेबल यू नीड टू फाइंड आउट द आउटपुट. फाइनल आउटपुट निकालना है कि फाइनल आउटपुट कैसे होगा. नाउ यूजिंग अ ट्रुथ टेबल यू नीड टू फाइंड आउट द आउटपुट. कैसे करेंगे? हाउ मेनी वेरिएबल्स इज देयर, हाउ मेनी वेरिएबल्स यू सी? ओनली टू, करेक्ट? अगर टू है देन टू टू द पावर टू, टोटल आउटपुट सॉरी इनपुट्स कितने होंगे? पॉसिबल इनपुट फोर. तो अभी हम लोग डायग्राम बना देते हैं. ना सी, तो पहले हम लोग ए एंड बी रखते हैं, ए बी. ओके, ना सी, ए डॉट बी को हम लोग को पहले फाइंड आउट करना है. तो ए डॉट बी हम लोग फाइंड किए, ठीक है. अब ये भी एक्सप्रेशन में ए डॉट बी है जो कि ऑलरेडी हम लोग को इस कॉलम से मिल जाएगा. तो अब हम लोग क्या करते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी को डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं. ए डॉट बी फिर प्लस ए डॉट बी, है ना. तो अब देखो पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जैसे कि मैंने कहा था चार इनपुट होंगे, तो वही सेम प्रोसेस में लिख लिए, ठीक है. अब देखो ए डॉट बी है, तो डॉट यानी कि एंड ऑपरेटर. एंड में मैंने क्या कहा था, अगर एक भी फॉल्स होगा तो मेरा आंसर फॉल्स हो जाएगा. तो उस हिसाब से ये मेरा इतना फॉल्स हो गया, लेकिन ये मेरा वन आ गया. तो अब मुझे क्या करना है, इसी कॉलम को मुझे क्या करना है, दो बार ऐड करना है. ऐड तो नहीं, मैं इसको क्या बोलूँगी, और ऑपरेटर यूज़ करना है. दिस प्लस लॉजिकल ऑपरेटर में ए प्लस का मतलब होता है हम लोग क्या करेंगे, और ऑपरेटर यूज़ करेंगे. सो और ऑपरेटर में क्या बोलता है, अगर एक भी ट्रू है तो मेरा आंसर ट्रू या फिर मेरा आंसर फॉल्स. तो जस्ट इमेजिन इसको मैं अगर दो बार ही लिखती हूँ, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी यानी कि प्लस प्लस प्लस, है ना, एंड देन प्लस वन, इजंट इट. तो ये हो गया. अब इसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, करेक्ट. मैं इसको यहाँ पे लिख दी हूँ ऐसे ही. तो अब तो आंसर बताओ क्या होगा, अगर एक भी ट्रू हो तभी मेरा आंसर ट्रू होगा, लेकिन यहाँ पे एक भी ट्रू नहीं है, दोनों ही फॉल्स हैं. यहाँ पे भी दोनों फॉल्स हैं, यहाँ पे भी दोनों फॉल्स हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों ट्रू हैं, तो मेरा आंसर ट्रू, ठीक है. गलती से बच्चा पार्टी 10 नहीं लिख देना, वो अरिथमेटिक सॉरी इट्स एन एडिशन, बाइनरी एडिशन है वो. अगर 1+1 है दैट इज़ बाइनरी एडिशन, तो 10 नहीं लिखना है इधर, गलत हो जाएगा. ये ट्रुथ टेबल तुम लोग लिख रहे हो, ट्रुथ टेबल में और ऑपरेटर है, बुलियन ऑपरेटर है. बुलियन ऑपरेटर में 1+1 का मतलब होता है 1 और 1, इसका आंसर होता है 1. ओके, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है. ओके, नाउ लेट मी सॉल्व वन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा जिसमें तुमको प्रूफ करने बोल रहा है x डॉट y प्लस जेड इक्वल्स टू x डॉट y प्लस x डॉट जेड. इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे, ना देखो. हाउ मेनी वेरिएबल्स यू सी? 3 एक्स वाई जेड, कितने टोटल वेरिएबल्स हैं, है ना, एक्स वाई जेड 3 है. देन 2 to the power 3, द आंसर इज 8. अब हम लोग कैसे ट्रुथ टेबल बनाएंगे वो देखो. तो पहले एक्स वाई जेड के लिए हम लोग बना लेते हैं एक्स वाई जेड. अच्छा, जैसे कि मैंने कहा पहले इनपुट्स को कैसे हम लोग लिखेंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सिंस इट इज़ 3 वेरिएबल्स, देन 2 to the power 3 इज 8. अब 8 को इक्वली डिवाइड करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 4. तो पहले 0 को एंड 1 को 4 करके डिवाइड करके लिखेंगे, हो गया. उसी तरह से अभी जो 4 बच गया उसको फिर इक्वली डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2. तो अभी जो 0 एंड 1 है उसको दो के कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, ठीक है. अब जो 2 बच गया था उसमें उसको फिर से डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1 हो गया. तो 0 1 0 1 एक एक करके लिख देंगे, ठीक है. ये पॉसिबल 8, मतलब 3 वेरिएबल्स होते हैं तो इस तरीके से ट्रुथ टेबल का बिगनिंग का जो इनपुट बनता है इसी तरीके से बनेगा. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन. तो पहले इस एक्सप्रेशन का हम लोग लिखेंगे आंसर. तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट है तो पहले उसको सॉल्व करेंगे. सो वाई प्लस जेड, अब देखो सॉरी ओके वाई प्लस जेड यानी कि इन दोनों में प्लस करना है. तो प्लस में मैंने क्या कहा था, अगर एक भी वन होगा तो आंसर वन. तो ये 0, ये 1 1 1, ये 0, ये 1 1 1 हो गया. अब इस टोटल को लिखेंगे
तो टोटल क्या है एक्स डॉट वाई प्लस जेड। अब इसमें देखो ये कॉलम और ये कॉलम है ना, इसका तो आंसर हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। तो एक्स डॉट मीन्स इन दोनों कॉलम में हमको एंड ऑपरेटर यूज़ करना है। एंड ऑपरेटर में एक भी अगर ज़ीरो है तो मेरा आंसर ज़ीरो हो जाएगा। तो उस हिसाब से पहला चार मेरा आउटपुट ज़ीरो ही होगा क्योंकि वहाँ पे एक ज़ीरो आ गया। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे 1 0 एक ज़ीरो है तो ऑफ कोर्स मेरा आंसर ज़ीरो होगा ना। ये लेकिन 1 1 है तो मेरा आंसर 1। फिर ये दोनों 1 1 है मेरा आंसर 1। फिर ये दोनों भी 1 1 है तो मेरा आंसर 1। ओके तो ये मेरा जो LHS है उस हिसाब से मेरा ये टेबल का आंसर कितना आता है 1 2 3 4 5 5 1 है और 5 0s हैं एंड 3 1 है। तो अब हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे x डॉट y को सॉल्व करते हैं x डॉट y। ओके एक्स डॉट वाई कहाँ से मिलेगा, अब इन दोनों से एज यूजल डॉट है यानी कि एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो पहला चार तो ऐसे ही ज़ीरो हो जाएगा है ना। अब यहाँ पे देखते हैं एक्स डॉट वाई में ये दोनों भी ज़ीरो हो जाएगा लेकिन ये दोनों 1 1 रहेगा। हो गया ठीक है। अगर ये 0 1 कैसे हो रहा है मेरा पिछले वाला वीडियो देखो तो समझ आएगा, जो लोग नहीं देखे हो उन लोग के लिए बोल रही हूँ। एक्स डॉट जेड को अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एक्स डॉट जेड में देखो अगेन वही डॉट ऑपरेटर हैं तो सबसे पहले चार मेरे ज़ीरो हो जाएंगे। ओके नाउ एक्स डॉट जेड यानी कि ये ज़ीरो फिर 1 फिर 0 फिर 1। ओके तो यहाँ पे लिख देती हूँ 0 1 0 1। ठीक तो अभी ये दोनों एक्सप्रेशन हो गया। अब इन दोनों में प्लस लिखना है तो डायरेक्टली लिख देती हूँ एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड यानी कि इन दोनों में अभी हम लोग को क्या करना है और ऑपरेटर यूज़ करना है। और क्या बोलता है, अगर एक भी ट्रू है तो मेरा आंसर ट्रू। तो उस हिसाब से यहाँ से इतना 5 तक तो ज़ीरो हो ही जाएगा है ना। अब यहाँ पे एक एक ट्रू आ गया है सो ऑफ कोर्स मेरा आंसर 1 हो जाएगा। एक भी अगर ट्रू है और में तो आंसर मेरा ट्रू। तो इन दोनों के हिसाब से एक ट्रू है तो 1, इन दोनों के हिसाब से एक ट्रू है तो 1, इन दोनों में तो दोनों ही ट्रू है तो मेरा आंसर 1। तो अब हम लोग चेक करते हैं ये कॉलम और ये कॉलम। ये तुम्हारा LHS था और ये तुम्हारा RHS था, दोनों हो गया प्रूफ सेम है। सो हेंस इट इज़ प्रूफ दैट LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है ये एक तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट फॉर्मूला है तो इसको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन बोलेगा कि प्रूफ करो। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है मीन्स तुमको फाइनल आंसर निकालना है ठीक है। और अगर LHS और RHS देखे है इसका मतलब है तुमको पूरा ट्रुथ टेबल से शो करना है कि LHS इक्वल्स टू RHS। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।